राजस्थान कांग्रेस में वर्चस्व की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच शहमात का खेल जारी है। कांग्रेस हाईकमान के आदेश के बाद दोनों खेमों की तरसी मीडिया में बयानबाजी बंद हो गई है, लेकिन खींचतान खत्म नहीं हुई है। सूत्रों की माने तो गहलोत और पायलट की लड़ाई खत्म कराने 21 मई को कांग्रेस प्रभारी अजय माकन जयपुर पहुँच रहे हैं। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच सुलह कराने की कोशिश की जाएगी। वहीं सीएम अशोक गहलोत का मुंबई दौरा भी खत्म हो गया है, लेकिन सियासत के जानकार भी हैरान है कि आखिर गहलोत बार बार मुंबई क्यों जा रहे हैं। उधर बीजेपी बार बार आरोप लगा रही है गहलोत की कुर्सी इस बार नहीं बचने वाली है, इसीलिए मुंबई जाकर गहलोत मामले को मैनेज करने में लगे हुए हैं। हालांकि गहलोत के मुंबई जाने की वजह जो भी है, लेकिन प्रदेश में सियासी खींचतान लगातार जारी है। कांग्रेस आलाकमान की सख्ती के बावजूद दोनों नेता खामोश हैं, लेकिन समर्थक एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट प्रदेश में सियासी दौरे कर अपने समर्थकों को मुखर होने का संदेश दे रहे हैं। हाल ही में अजमेर दौरे के दौरान पायलट गुट और गहलोत गुट आमने सामने आ गए थे। आजादी की गौरव यात्रा के आयोजन की तैयारी को लेकर प्रभारी मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया की बैठक में गहलोत पायलट गुट की खींचतान खुलकर सामने आ गई। पायलट समर्थक कार्यकर्ताओं ने अजमेर में गौरव यात्रा के दौरान सचिन पायलट को बुलाए जाने का प्रस्ताव रखा। जवाब में गहलोत समर्थकों ने सीएम अशोक गहलोत को बुलाए जाने का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस नेता मुजफ्फर भारती ने पायलट को बुलाने की मांग की, तो वहीं पूर्व विधायक नाथूराम सिनोदिया ने सीएम गहलोत को बुलाने का प्रस्ताव रख दिया। इससे साफ है कि दोनों गुटों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हाल ही में सचिन पायलट ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। इसके बाद से ही पायलट गुट एक बार फिर एक्टिव हो गया है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि कांग्रेस गहलोत को हटाकर पायलट को सीएम की कुर्सी सौंपेंगी। इसका फैसला माकन के दौरे के बाद हो सकता है। फिलहाल राजस्थान में आपसी लड़ाई चरम पर है। पायलट और गहलोत के बीच एक दूसरे को सियासत के अखाड़े में पटकने की पूरी कोशिश हो रही है। अब जीत किसको मिलेगी, ये आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।